हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं स्वीट एलिज़म को हेल्दी हेल्दी, क्योंकि ये इतना बुशी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे। तो जिस जिस में फ्लावरिंग आ गई है वो ऐसे ऐसे पूरी हो गए हैं, पूरे लग रहा है ना, पूरे स्टेम से फ्लावर आ चुके हैं। तो उनको हम यहाँ से कट ऑफ करते जाएंगे ऐसे। उनके सीड्स भी यहीं से बनते हैं, बहुत ही ईजिली सीड से भी ग्रो हो जाता है, और मतलब कि आप सैपलिंग वगैरह नर्सरी से भी ला सकते हैं प्लांट्स इसके। तो जो जो हो गए हैं उनको हम कट कर रहे हैं, और इसी में मैंने लगाना है नस्टर्शियम को। तो पिंचिंग से डबल ट्रिपल ग्रोथ हो जानी है इसकी दिनों में, और जिसमें अभी फूल नहीं आए हैं उसको रहने देंगे, दूसरों को सभी को ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली। और इसको कटिंग से हम लगा सकते हैं, कटिंग से ही प्रोपगेट हो जाता है, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो मैंने तो क्या करना लगा के। और ये लो बच्चों फ्लावर्स, ये लो। हाँ, तो और गमलों में भी बहुत ज़्यादा हैं, और इतने सॉफ्ट थे कि ये जड़ी हाथ में आ गई। मुझे लग रहा है सीजर से करने पड़ेंगे। तो और भी अगर कोई कार्य है जो आपको पिंचिंग करनी है, तो पिंचिंग प्रॉपर आप करते रहिए, उससे प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी बनता रहेगा। तो कितने खूबसूरत से प्लांट है, छोटे छोटे, काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है इसमें। और अभी इस बिगोनिया की केयर पे हम बनाएंगे वीडियो, मैं सीजर से करती हूँ तो नहीं हो पा रहा, तो मैं तो नीचे से ऐसे कर देती हूँ, पूरी की पूरी पूरी काफ़ी हेल्दी हो रहे हैं, ये तो जड़ों से निकल रहे हैं। क्योंकि ऊपर ऊपर ही रहती हैं इसकी जड़ें, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं। जैसे वीड्स वगैरह नहीं होते, हल्के हल्के कोई घास फूसा हो जाता है, उस तरह के प्लांट्स होते हैं। और अब बन जाएगा काफ़ी बुशी। फ्लावरिंग बहुत अच्छी थी लेकिन दूसरे पॉट्स में है, तो मैंने कहा एक पॉट में निकाल के मैं की बहुत सारी कटिंग्स थी, तो कटिंग लगने को ये भी लग जाएंगी, वो लगाती हूँ। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की इतनी सारी कटिंग्स और पड़ी हैं जिसमें फ्लावरिंग अभी शुरू नहीं हुई। नो बेटा नो। और इसी में है ये मदर ऑफ मिलियंस के दो तीन प्लांट्स, और पिंचिंग हो गई है। लो जी, उसको नहीं करूँगी, उसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। और इसकी मैंने होगी कर दी है, तो जो साइड में जगह है ना, उतनी इतनी जगह नस्टर्शियम के लिए काफ़ी है, तो इसी में लग जाएंगे एक बार। ये कौन सा, ये नीम ही उग रहे हैं सारे। तो ऐसे गाइस बनाने पड़ती है जगह, क्योंकि इससे ना ये देखो काफ़ी हाइट के हो रहे हैं, ये भी ऐसी हाइट का था, और अब पूरा पॉट भरेगा जब भी ये निकलेंगे ना, एक ही जगह पे सात सात आठ आठ टहनियाँ निकलेंगी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब जो नस्टर्शियम है वो यहाँ पर है, ये देखिए इतने बड़ी बड़ी हो गई हैं सैपलिंग्स बाहर वाले। तो मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ बहुत सारी शेयर की हैं नस्टर्शियम के ऊपर, कि कैसे सीड से ग्रो कर सकते हैं या नर्सरी से हम सैपलिंग्स ला सकते हैं। इतनी अच्छी लीव्स वाला, ये वाली लीव्स भी आती हैं और ये वाली वेरीगेटेड लीव्स भी आती हैं, दोनों बड़े प्यारे लगते हैं और बहुत इजी टू ग्रो हैं। और मटर के जैसे, मटर से थोड़े से छोटे इसके बीज होते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं प्लांट, और फ्लावरिंग पर भी जल्दी आ जाते हैं। तो अब खुरपी से तो नहीं करूँगी, इस पेच कस की हेल्प से, जैसे जैसे जगह ये है इतनी, इससे भी ज़्यादा बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें सोइल भी साथ ही आएगी। ये सोइल देख रहे हैं मेरी कितनी सॉफ्ट, सिर्फ तभी मैं बार बार कहती होती हूँ कि साथ खुद को छोड़ो, बस अपनी जो सोइल मिक्सचर है उसका ध्यान रखो, पानी आप मॉडरेशन में दें, प्लांट की रिक्वायरमेंट देख के और उसकी लोकेशन अच्छी सेट कीजिए। खाद खुद का तो होगा बना हुआ है, वैसे इतनी मतलब कि बता ही रही हूँ कि इसको कितना टाइम हो गया, इस प्लांट पॉट की केयर भी नहीं हुई है, परमानेंट प्लांट है, तो सॉइल फिर भी इतनी सॉफ्ट नहीं, तो इतने टाइम बाद जब पॉट को छेड़ते हैं तो पत्थर जैसी मिट्टी हो चुकी होती है। चलो जी, हाँ आप लगा दें इसको, वो बिल्कुल ऐसे नहीं, नीचे नीचे तक इतनी सॉफ्ट है सॉइल।
अब इसको कैसे निकालना है, सीधा जड़ों से नहीं खींचना, थोड़ी थोड़ी सोइल भी आए उसी हिसाब से हमने इनको निकालना है। देखें कि थोड़ी थोड़ी सॉइल भी साथ में आए, ऐसे नहीं कि सीधे खींचने और रूट्स भी इसकी डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं करना। लो जी ये लग गए और छोटे बड़े सारे निकाल लेने हैं। जगह बनी नहीं है इसके लिए यहाँ, क्योंकि इनके साथ वाले तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं और इनकी रिपोर्टिंग नहीं की बार बार, वहीं के वहीं हैं ये, तो फ्लावरिंग पे नहीं आए। रिपोर्टिंग इतनी ज़रूरी हो जाती है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ ये डेविल बैकबोन सारे कटिंग्स लगे हुए हैं, एक मेन ये मदर प्लांट है, ये साइड में लगे हुए हैं सारे गई हैं, तो इनकी भी हार्ड प्रूनिंग करने का मेथड बताऊंगी। अगर आपके प्लांट ने अभी तक ग्रोथ नहीं की है तो इसके लिए क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। पहले ये निकल लें, देखो कितनी लंबी लंबी पेल है। तो गाइस ये थी लाइसम के ऊपर और नस्टर्शियम के ऊपर वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। बाय बाय।